फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे और आज इसमें लगभग लगभग 10% के आसपास की गिरावट हुई है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे अगर ये नीचे गिर रहा है तो इसको ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा, ये यू टर्न कहाँ से ले सकता है, अगर ये नीचे जा रहा है तो और ये कितना नीचे गिरेगा। इन सारी बातों पर हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे और एनालिसिस करेंगे। वीडियो लंबी लगे तो 1.5 की स्पीड से आप देख सकते हैं। टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड और यहाँ पे जिस तरीके का इसने लास्ट मंथ में एक जो कैंडल क्लोज दिया था, ठीक है, यहाँ पे बहुत ही अच्छा कैंडल क्लोज दिया था और जिस तरीके का कैंडल इसने क्लोज दिया है उस तरीके से इसको फिर से वापस नहीं आना था। यहाँ पे आने के बाद थोड़ा यहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकता था, ठीक है, ऊपर की ओर ही वेट करना था, लेकिन इसने क्या किया है, जितना भी उसने लास्ट मंथ के कैंडल ने जितना भी यहाँ पे रैली किया था उसको ऑलमोस्ट यहाँ पे इसने नल कर दिया है। और अभी फिलहाल जिस स्थिति में ट्रेड कर रहा है, अगर हम लोग देखेंगे तो जो पास में हमारे सबसे पास जो सपोर्ट है अभी, ठीक है, जो सबसे आसपास जो सपोर्ट है वो है लगभग लगभग ये लगभग 1000 के आसपास का, 1100 के आसपास का है। और एक बार इसने ऑलरेडी यहाँ से सपोर्ट ले लिया एंड सेकेंड टाइम आ रहा है, तो सेकेंड टाइम आ रहा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वीकली टाइम फ्रेम पर जाएंगे एंड वीकली टाइम फ्रेम पर देखेंगे ये सपोर्ट कितनी बार ऑलरेडी ये टेस्ट हो चुका है। तो पहले जैसा कि ये यहाँ पे एज अ रेजिस्टेंस एक्ट किया करता था, उसके बाद यहाँ से एक बार ब्रेकआउट मिलने के बाद फर्स्ट टाइम यहाँ पे इसने एक बार सपोर्ट ले लिया ऑलरेडी एंड सेकेंड टाइम यहाँ पे ये बहुत दिनों बाद फिर से सेकेंड टाइम आके यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया है। अब ये थर्ड टाइम यहाँ पे आ रहा है, राइट, अब ये थर्ड टाइम आ रहा है तो यहाँ से अगर ये थर्ड टाइम आने के बाद ये बहुत ऊपर से रैली करके आ रहा है, ठीक है, 1400 के आसपास से रैली करके आ रहा है, तो ये इसी फ्लो में इसको ब्रेक नहीं कर पाएगा। इस फ्लो में इसलिए ब्रेक नहीं कर पाएगा क्योंकि यहाँ पे जो सेलर्स हैं जिनको पहले से प्रॉफिट मिल रहा है वो प्रॉफिट बुक करेंगे ये सपोर्ट देख के, तो जब वो सपोर्ट देख के प्रॉफिट बुक करेंगे तो ये थोड़ा ऊपर जाएगा एंड कुछ बायर्स भी आएंगे, फ्रेश बायर्स जिनको ये सपोर्ट दिखेगा, ठीक है, इस सपोर्ट पे बाई करने वाले फ्रेश बायर्स भी आएंगे तो ये थोड़ा ऊपर जाएगा। ऊपर जाने के बाद अगर फिर से आके ये इसको ब्रेक कर देता है, ठीक है, इस लेवल को फिर से आके ब्रेक कर देता है जो कि लगभग लगभग 1080 का लेवल है, तो ये फिर और नीचे की ओर ट्रेड करने लगेगा, ठीक है, फिर ये और नीचे की ओर ट्रेड करने लगेगा। और ये नीचे कितना आ सकता है तो उसके लिए हमें एक और यहाँ पे सपोर्ट लेवल ड्रॉ करना पड़ेगा एंड वो सपोर्ट लेवल बिल्कुल यहाँ पे है, या ये जो यहाँ पे लेवल है, ठीक है, 800 के आसपास है, 900 के आसपास का लेवल है, ठीक है, ये जो लास्ट यहाँ पे होप होगी इसका रिटर्न होने का वो होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसने टाइम स्पेंड किया बहुत ज़्यादा, यहाँ पे इसने टाइम स्पेंड किया है, तो ये यहाँ पे जो लेवल है ये लगभग लगभग 1100 से थोड़ा वाइड रेंज हो जाएगा, लेकिन ये जो 1100 से लेके 1000 का जो लेवल है ये इम्पॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि अगर 1000 के नीचे निकल जाता है तो एक राउंड लेवल है, ठीक है, और राउंड लेवल के बाद नीचे निकलने के बाद जो नीचे का टारगेट हो जाएगा वो होगा 900 के आसपास का, 867 के आसपास का हो जाएगा, राइट। लेकिन अगर ये 1000 के लेवल को रिस्पेक्ट करता है और यहीं से यू टर्न ले लेता है तो ये हमारे लिए बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। किस तरीके से हम लोग इसको देखेंगे रिवर्सल, तो हम लोग रिवर्सल के लिए क्या फाइंड आउट करेंगे कि ये जो 1000 और ये यहाँ पे जो एक वाइड रेंज बन के रखा है, ठीक है, इस वाइड रेंज में ये इस तरीके का डब्ल्यू टाइप पैटर्न बना के अगर निकले या फिर यहाँ पे एक रेंज बना दे, राइट, यहाँ पे एक रेंज बनाया, एक चैनल बनाया और उसको ब्रेक करे ऊपर की ओर, तो हम लोग इसमें बाई कर सकते हैं। अदरवाइज ये अगर ऊपर से आके फिर से इसके नीचे को नीचे की ओर अगर इसे ब्रेक कर देता है तो हमें 850 के आसपास के लेवल, 800 के लेवल इसमें देखने को मिल सकते हैं, जिस तरीके से मार्केट का सिनारियो है और ये शेयर जिस तरीके से आज के दिन गिरा हुआ है। अगर हम लोग वन डे टाइम फ्रेम पर जाएंगे तो वन डे टाइम फ्रेम पर और अच्छे से हमें थोड़ा क्लियर होगा, क्योंकि यहाँ पे जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमें क्लियरली पता चल रहा है कि डेली टाइम फ्रेम पे कितनी बार टेस्ट हो चुका था। यहाँ आप देखिए 1 2 3 ये 4 टाइम आ रहा है, बस एक ही दिक्कत है कि बहुत ऊपर से आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये रेस्ट कर सकता है, रेस्ट करने के बाद यहाँ पे टाइम स्पेंड करेगा, उसके बाद नीचे की ओर अगर ब्रेक करता है तो ये फिर और नीचे की ओर निकल जाएगा, जैसे कि मैंने नीचे के लेवल बताए, ठीक है। लेकिन अगर ये यहाँ या इसी लेवल पे अज्यूम करते हैं, ये इस लेवल पे आने के बाद यहाँ पे थोड़ा रेस्ट करता है, रेस्ट करने के बाद एक बार ऊपर जाके फर्स्ट मूव में हम बाई नहीं करेंगे, ठीक है, फिर सेकंड मूव में जैसे ही इसको ब्रेक करेगा हम बाई करेंगे। पहली क्वांटिटी जो हमारी जानी चाहिए वो कम क्वांटिटी जानी चाहिए, क्या होना चाहिए, जो पहली बार हम बाई करेंगे कम क्वांटिटी बाइंग करेंगे, दूसरा क्वांटिटी हमारा जाना चाहिए ये जो ट्रेंड लाइन ऊपर से आ रहा है, जब भी एक क्वांटिटी हमारा यहाँ पे है स्टॉप लॉस ये लास्ट स्विंग के नीचे लगा के रखेंगे जो भी लास्ट स्विंग बनेगा, और फिर हम लोग जैसे ही ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा हमारी जो मेन क्वांटिटी होगी चली जाएगी स्टॉप लॉस, ये फिर जो हमारा बाइंग प्राइस था, ठीक है, ये जो हमारा बाइंग प्राइस था या फिर यहाँ पे अगर लास्ट स्विंग बनाएगा तो उसके नीचे हम लोग लगा सकते हैं, ट्रेल कर सकते हैं।
और फिर हमारा जो पहला टारगेट होगा वो 1400 एंड उसके बाद का 1600 टारगेट होगा। लेकिन अगर ये यहाँ से बुलिशनेस दिखाता है तो अगर अदरवाइज अगर यहाँ पे रेंज बनाता है और यहाँ पे ब्रेक कर देता है तो नीचे की ओर ये निकल सकता है। फिर हम लोग इसको 800 900 के आसपास सेम सिनारियो जैसे कि मैंने बताया बुलिश के लिए हमें चाहिए ऐसा फाइंड आउट करेंगे और बाई करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए हमें इसे थोड़ा सा दूरी बनाए रखना चाहिए, अपने वॉच लिस्ट में रखिए इसको और वॉच लिस्ट में रख के देखते रहिए कैसा ये बिहेव कर रहा है आने वाले समय में। आज का जो कैंडल जैसे इसने क्लोज दे रहा है, ठीक है, आज का जैसा इसने कैंडल बनाया है ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये है अगर कल के दिन ये गैप अप ओपन हो जाता है तो यहाँ पे एक हॉल्ट कैंडल बना देगा। ठीक है, अगर कल के दिन ये गैप अप ओपन होता है तो हो सकता है यहाँ पे हॉल्ट कैंडल बना दे या फिर यहाँ पे 2 4 दिन रेस्ट करे, रेस्ट करने के बाद फिर से इसको ब्रेक करे क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ा यहाँ पे मोमेंटम हो चुका है। अदरवाइज अगर कल इसको ब्रेक करता है तो ब्रेक करने के बाद हो सकता है एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना दे, क्योंकि अगर ये कल के दिन मान लीजिए इसे ब्रेक कर देता है, आज 11:20 के आसपास क्लोजिंग देता है और कल के दिन इसको फ्लैट ओपनिंग के बाद ब्रेक करता है तो फिर से ये इस तरीके का कोई ग्रीन कैंडल बना सकता है, याद रखिए। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें ये है इसकी टाटा कम्युनिकेशन की एनालिसिस। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको लेवल्स पता चले होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, थैंक यू।